पूरे प्रदेश में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम किया गया है और अभी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पास लोग बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप लोग किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, रोजगार की समस्या है इस प्रदेश में, आटा दाल चावल से लेकर के इस देश में सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं, इसके विरोध में हम लोग आज इस प्रदर्शन में बैठे हैं और ये आंदोलन लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल रसोई गैस आटा दाल चावल सरसों तेल से लेकर सारी चीजों के दाम कम नहीं होते। महंगाई के क्या कारण मानते हैं? महंगाई का कारण सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। महंगाई कैसे कम करेंगे? आपकी भी सरकार थी, कैसे महंगाई कम की जा सकती है? इसका भी सिर्फ एक ही उपाय है, नरेंद्र मोदी को हटाकर कम करेंगे। अगर मान लो डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होते तो आगे क्या रहेगी? लगातार आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे सुबोध अग्रवाल, जिनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के कारण महंगाई बढ़ी है और उनके कारण ही इस देश में महंगाई, डीजल पेट्रोल आटे दाल के भाव बढ़े हैं और यही कारण है कि आज इन्होंने चक्का जाम किया है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे जो अभी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है उसके सामने लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक चक्का जाम किया गया है। यहाँ देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि पूरे इस प्रदर्शन के कारण चक्का जाम लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी सुबह का समय करीब 12 बजे का समय है और लोग, कई लोग दफ्तर के लिए निकले हैं, कई लोग किसी काम के लिए निकले हैं और इस कारण से वे यहाँ पर जाम में फंस गए जिसके कारण उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही। चूँकि कांग्रेस का कहना है कि महंगाई के कारण जिस तरह से महंगाई बढ़ी उसको लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें जनता को भी समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो इनका एक प्रदर्शन है इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर कितना पड़ेगा, क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, इसका पता आने वाले समय में ही चल सकेगा। प्रवीण कुमार सिंह, ETV, रायपुर।